गुड मॉर्निंग। बिना नहाए धोए आज हम वीडियो बनाने लगे। नमस्ते, हम बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। ये देखो आज मैं बना रही हूँ, ये गाजर का हलवा बन रहा है और सिंपल सब्जी का मन था तो ये मैंने गाजर गोभी मटर टमाटर मिक्स वेज बनाई है। और ये दूध गर्म करके रखा है। ये दूध है, इसके बाद मक्खन निकालने के लिए, और ये मैंने घी गरम करके रखा है, अभी ये उसमें नहीं किया है मैंने। मैंने एक बड़ा देग भर के रख रखा है अपने घी का, वो भी मैं दिखाऊंगी तुम्हें। ये अभी थोड़ा कम है, नहीं तो मैं एक हफ्ते में 2 बार घी गरम करती हूँ, और कम से कम मैं 3-3.5 kg घी एक हफ्ते में हो जाता है। और आज मैं थोड़ा ये दूध का मैंने हलवा बना रही हूँ गाजर का, मन था मैं थोड़ा कुछ मीठा खाने का तो ये बना लेते हैं। और एक गैस पे मेरी सब्जी बन रही है, आलू मटर टमाटर गाजर मिक्स है। सिंपल सब्जी पसंद है मुझे तो मैंने ये सिंपल बनाई है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना घी। लेकिन कुछ लोग ना ये सोचेंगे कि हमें दिखाती है वीडियो बना बना के, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो अपना बस ऐसे ही, मेरा मस्ती मजाक का मन था तो मैंने की चलो दिखा देते हैं। अब नई नई चीज़ लाएंगे कहाँ से भाई, तो भाई किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं अपना घी दिखाने वाली हूँ तुम्हें। ओके, इन दोनों डब्बे में और इस देग में घी भर रहा है। ये 25 kg का, मतलब ये हमारा ड्रम है। आपको दिखाऊं, ये देखो ये 25 kg का है और ये हमारी 8 kg की है। इसमें अभी कम है क्यों, मैंने इसमें से 3 kg भेज दिया है। मेरा बेटा बाहर रहता है और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनके लिए भेजा है मैंने। और ये अभी मैंने इतना देग खाली है, 3-4 kg का कम से कम। और ये प्योर घी है एकदम, आप देख सकते हैं इसको। इन दोनों डब्बे में और इस देग में घी भर रहा है। ये 25 kg का, मतलब ये हमारा ड्रम है। आपको दिखाऊं, ये देखो ये 25 kg का है और ये हमारी 8 kg की है। इसमें अभी कम है क्यों, मैंने इसमें से 3 kg भेज दिया है। मेरा बेटा बाहर रहता है और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनके लिए भेजा है मैंने। और ये अभी मैंने इतना देग खाली है, 3-4 kg का कम से कम। और ये प्योर घी है एकदम, आप देख सकते हैं इसको। अब मैंने आपको अपना घी दिखा दिया है और ये मैं किचन में खड़े होके सारे काम कर रही हूँ, घी वगैरह सब कुछ, दूध दाध मैंने सब यहीं बना रखा है। तो बातों ही बातों में मेरा हलवा भी बन के तैयार हो गया है, गाजर पाक बोलें या हलवा बोलें। और अब भाई देख के तो मन करता है खाने का, तो आप भी अपने घर बना के खा सकते हैं, क्यों मैं दे नहीं सकती, दूर हूँ। और भाई वीडियो मेरी थोड़ा लाइक किया करो, सपोर्ट करो मुझे भी। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मेरे घर का घी वगैरह कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट में बताना। बातों ही बातों मेरी सब्जी बन गई, सारे काम हो गए। ओके बाय। अब आपको घी दिखा दिया है, इस वाले घी को भी मैं छान के उसमें ही कर दूंगी तो वो मेरा ड्रम भर जाएगा। और बातों बातों में मेरा हलवा भी बन के तैयार हो गया। और अभी ये मेरे घर पे ना 30 kg समथिंग घी था, अभी 1-2-4 kg थोड़ा कम है। और पिछली बार मैंने 2 ड्रम भरे थे, 1 20 kg का 1 25 kg का, 45 kg घी था। तो ये होते भाई खाने का अंदाज, हम ना घर पर रिफाइंड यूज करते तेल भी हम घर पे सरसों का अपने घर का ही यूज करते हैं, बाहर का बहुत कम चीज़ यूज करते हैं हम, पूड़ी पराठे
और ये सारी चीज़ें हमारे घी में ही बनती हैं। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, ज़्यादा लोग आए तो वही रिफाइंड में बनाते हैं, और कम आए तो घी में बना देते हैं। आप ये मत कहना कि दूसरों के लिए रिफाइंड में क्यों बनाते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए घी की कीमत कम से कम 1200-1300 रुपये के जी है। ठीक है, जब हम दोनों में कोई बात होती है, कहाँ तेरे पैसे, मैं कह देती हूँ मेरे पास 30-35 हज़ार का तो घी भर रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना। और किसी का गाजर का हलवा खाने का मन हो तो बता देना, पार्सल करके भिजवा देंगे भाई। कुछ रिश्तेदार तो खुश हो रहे होंगे मेरे के, बढ़िया संतोष के हाथ का हलवा मिलेगा खाने को। और कुछ यूँ कह रहे होंगे, फालतू की दिमाग लगाती रहती है, बिना मतलब में वीडियो बनाती है। कोई नहीं, उनके लिए सॉरी, और जो खुश है वो आराम से देखो, ठीक है, ओके बाय। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, इतनी बहुत है, डन। धीरे धीरे ऊंचाई छूने का मौका मिल रहा है, धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लाइक भी अच्छे होते जा रहे हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो मुझे, एक ना एक दिन तो सीढ़ी मिल ही जाएगी। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब एक आधों को शेयर कर दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके।